जीतन राम मांझी को कांग्रेस ने दिया सीएम पद का ऑफर। बिहार की राजनीति में मची खलबली। बिहार में एनडीए की सरकार तो बन गई है, लेकिन फ्लोर टेस्ट अभी बाकी है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जीतन राम मांझी इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। जीतन राम मांझी हम के लिए दो मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने जीतन राम मांझी को सीएम पद के लिए ऑफर किया है। आपको बताते चले, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से जब सवाल पूछा गया कि वे एनडीए सरकार में दो सीट की मांग कर रहे हैं, इस पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने जीतन राम मांझी को खुला ऑफर दे दिया। उन्होंने कहा, वे हमारे साथ आ जाएं, हम उन्हें सीएम बनवा देंगे। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में कयासों का दौर शुरू हो गया है। वहीं इस प्रकरण पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, सभी बातों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, तेजस्वी यादव चौंकाने के लिए ही जाने जाते हैं। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि अभी खेल बाकी है। आपको बता दें, महागठबंधन से अलग होने के बाद सीएम नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए। इस नई सरकार में बीजेपी की ओर से दो डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। वहीं हम पार्टी के अध्यक्ष आशुतोष सुमन ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ ही एक निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं अब मंत्रिमंडल की विस्तार से पहले जीतन राम मांझी ने दो मंत्री पद की मांग की है। अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो जीतन राम मांझी भी बड़ा खेला कर सकते हैं।